Hey everyone, so this is being shot on 29 May 2019 on my mother's birthday, and today we are heading to our journey towards West Bengal, a road trip obviously. We'll take probably 3 days to reach there. The plan is something like this. First we have to depart from here today 1:30 PM, and then we'll reach Jabalpur by around 8 o'clock in the evening, and after that the next day we are traveling to Allahabad. From Allahabad we go to Varanasi, and then from Varanasi we travel to Jharkhand, and from Jharkhand to our final destination, that is obviously my native place. So the journey is gonna start today, and it's 49 degrees I heard, and it's gonna be really hot today, but let's see. Once you plan, you have to just execute it, you know. So let's see. So we just checked into our hotel at Jabalpur. So the ride thi wo almost 310 kilometers ki ride thi, and first 140 kilometers maine chalaya, baki hardly 30 kilometers papa ne chalaye honge, almost average of 60-70 kilometers per hour. Us speed pe hum pahunche hain Jabalpur mein. Around 8 पहुंचने का approximation था, but 7:45 PM तक के पहुंचे, और अभी होटल में चेक इन किया है. अभी देखते हैं, कल सुबह अराउंड 5 AM निकलना पड़ेगा फॉर अलाहाबाद, एंड फ्रॉम देयर टू वाराणसी. रास्ते में कुछ भी लाइक ऐसे व्लॉग वगैरह नहीं किया, ना ही मैंने कुछ शॉट्स लिए, बिकॉज आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग द ड्राइव. और रास्ते में आते आते एक इंसिडेंट भी हुआ कि एक बड़ा लाइक बिग साइज़ का एक पत्थर था रास्ते पे, एंड आई वाज अराउंड 80 किलोमीटर्स पर आवर. ज़ोर से गाड़ी उसके ऊपर से गई, एंड साइलेंसर के पास में शायद से डिफेक्ट आया है, बिकॉज आफ्टर दैट व्हेन आई वाज ड्राइविंग द कार, तो जो साउंड है वो ज़्यादा आ रहा था. तो माई फादर वॉज वरीड अबाउट कि गियर बॉक्स में क्रैक ना आया हो, बिकॉज इफ दैट हैपन्स देन गियर बॉक्स रिप्लेस करना पड़ता है. जब हम आ रहे थे जबलपुर की तरफ, जब हम निकले थे, तो उस वक्त हुआ क्या कि आई विटनेस्ड एन एक्सीडेंट. द एक्सीडेंट वॉज लाइक समथिंग, मतलब अनएक्सपेक्टेड था. उसमें गलती जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसकी थी, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज, सबसे पहले हम वी वर ट्रैवलिंग, हम गाड़ी से जा रहे थे, बाजू से एक गाड़ी गई, थोड़ा सामने जाके वो लेफ्ट पे, मतलब थोड़ा ऑफ रोड रुकी, गाड़ी के इंडिकेटर्स भी ऑन थे, एंड लेटर वी पास दैट कार. उसके बाद हुआ क्या कि आई वॉज ड्राइविंग एंड आई जस्ट लुक बैक इन द IRVM, जो अंदर मिरर रहता है, ये चेक करने के लिए कि कोई आ रहा है क्या पीछे से या कुछ. तो उसमें मुझे दिखा कि वही गाड़ी है, एंड ऐसा लगा कि कुछ गाड़ी में से गिरा, लाइक जो गाड़ी की छत रहती है, गाड़ी की छत पे से कुछ गिरा, ऐसा सेंसेशन है. बट लेटर आई रियलाइज कि गाड़ी की छत पे कुछ नहीं था, इट वॉज़ दैट सेम कार विच वी क्रॉस्ड. एंड तब समझ में आया कि वो गाड़ी जो खड़ी थी उसे एक बाइक ने आके ठोका. दो लोग थे उसमें, दो लोग वो उछल के गिरे, एंड इट वॉज़ हॉरेबल, बिकॉज जो कार का ड्राइवर था वो उतर के आया उनकी हेल्प करने के लिए. तो जितना मिरर से देखा उससे समझ में आया कि इट वॉज़ नॉट गुड. दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था. व्हाट आई थिंक इज, सेफ्टी इज़ ऑलवेज फर्स्ट, वेदर इफ यू आर ट्रैवलिंग इवन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ लाइक 10 to 15 kilometers, सेफ्टी डज मैटर. बट आई फेल्ट एट दैट टाइम वॉज यू जस्ट विटनेस समथिंग विच यू नेवर एक्सपेक्टेड विल बी देयर इन फ्यूचर. तो लाइक डाइजेस्ट नहीं हो पाया था फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स. आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग, बट फिर आई जस्ट थॉट कि ये तो होता ही रहता है, एंड आई जस्ट कंटिन्यू टू ड्राइव. कल निकलना है सुबह, तो अभी ये जो फुटेज है वो जाएगी मेरे लैपटॉप में, एंड फिर उसके बाद ऑफ टू स्लीप. सो इट्स करेंटली द अदर डे, एंड नाउ वी आर ऑल गेटिंग रेडी. अभी हम लोग निकलने वाले हैं अलाहाबाद के लिए. अलाहाबाद में कोई ऐसा हॉल्ट नहीं है, बट वहाँ पे लाइक ऐसे ब्रेक वगैरह के लिए रुकने पड़ेगा. तो अब वहाँ पे जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट है वाराणसी. वाराणसी पे पूरा एक दिन का हॉल्ट है जैसा कि प्लान था, मतलब नेक्स्ट डे, मतलब कल का पूरा दिन वाराणसी में है, एंड उसके बाद परसों सुबह निकलेंगे फॉर झारखंड. तो लेट्स सी, होप एवरीथिंग गोज एज प्लान. Thank you.
तो हम पहुंचे हैं प्रयागराज या इलाहाबाद दोपहर 1:30 बजे के आसपास, और वहाँ पे हम गाड़ी से ही पहुँचे। हमें नहीं पता था कि हम गाड़ी लेके सीधा पानी के एंड तक जा सकते हैं, बिकॉज़ गूगल मैप जैसा बता रहा था हम उसको फॉलो कर रहे थे, बट वहाँ के लोकल गाइड ज़्यादा बेटर बता पाते थे कि आप कैसे वहाँ पे रीच करें। तो हमने उनका पूरा गाइडेंस लिया, बट लेटर वी सॉ दैट हम गाड़ी लेके भी एंड तक के पहुंच सकते थे, बिकॉज़ वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उनमें से एक ये भी है कि पूरे सैंड के ऊपर मेटल शीट्स बिछाई हुई है, जिससे आप गाड़ी लेके राइट ओवर दी एंड पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पे हमने वो अवॉइड ही किया, बिकॉज़ हमको नहीं पता था कि कैसा है क्या है वहाँ पे। तो हमने गाड़ी लगाई एक जगह, और वहाँ से फिर हमने एक नाव में बैठ के दूसरे एंड पे गए, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जहाँ पे लोग गंगा स्नान करते हैं, बिकॉज़ वो एरिया में जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा कम है, तो आप उतर सकते हो वहाँ पे, एंड वहाँ पे उतर के आप अपना गंगा स्नान बढ़िया कर सकते हो। तो हम वहाँ पे गए, हमने गंगा स्नान किया, और उस पूरे वक्त में ये सब कुछ है जो मैंने रिकॉर्ड किया। तो उस वक्त हम थे दशाश्वमेध घाट पे, जो वाराणसी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस घाट है, और बाकी घाट्स भी है, जैसे मदरी गंदी का घाट हो गया, वो भी एक बहुत फेमस घाट है वहाँ का। तो उस वक्त वहाँ पे रात को हमने बोट राइड की, हमारे रिलेटिव थे हमारे साथ, तो उन्होंने हमें बोट राइड करवाई। और वहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कि वहाँ पे भाड़े की बोट से जाना इज़ वे मोर कन्वीनियंट, बिकॉज़ भाड़े की बोट में होता क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, और आपको वहाँ पे भाड़ा कम पड़ता है। और इस बोट में जिसमें हम गए थे, मतलब हमने एक प्राइवेट बोट की थी, जहाँ पे हम 4 लोग थे, और हमें कुछ अराउंड 500 to 600 रुपीज़ हुआ, हमारा चार्ज था 500 to 600 रुपीज़ फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट से राइट जाते हुए जितने भी घाट पड़ते हैं उतना, और मणिकर्णिका का घाट जो है वो अपोजिट में पड़ता है, मतलब वो लेफ्ट साइड में पड़ता है, तो वो बहुत दूर था, तो उतना जाना पॉसिबल नहीं था रात को, बिकॉज हमको होटल में चेक इन भी करना था। हमने उस रात में जितने भी घाट्स पॉसिबल हुए वो किए, और उसके बाद अगली सुबह हमें जाना था मंदिर में। तो रात को हमने जितने भी घाट किए उन सब का फुटेज ये रहा। तो अभी हम हैं झारखंड में, यहाँ पे हमने लिया है एक दिन का ब्रेक। तो अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना टोल टैक्स भरा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा टोल टैक्स भरा गया है, इतने सारे कुछ रिसिप्ट्स हैं मेरे पास अभी। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले 85, उसके बाद 60, 20, 130, ओके 75, फिर से 30, 65, उसके बाद फिर से 65, फिर 50, 110, उसके बाद फिर 100, फिर उसके बाद 95। इतना टोल लगता है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नागपुर वाया दीज सो मेनी रूट्स। एक्चुअली कैसा है कि अगर डायरेक्ट पाथ भी पकड़ा जाए, जैसे अगर हमने नागपुर से वेस्ट बंगाल जहाँ मेरे को जाना है वहाँ पे अगर मैंने सर्च किया, तो इट टेक्स अराउंड 1.5 डेज इफ़ यू ड्राइव कंटिन्यूसली, बट नो वन कैन ड्राइव कंटिन्यूसली, वी ऑल नो दैट। So that's it for me guys, I hope you enjoyed the video. If you did, smash the like button, subscribe to the channel, click the bell icon, do that stuff, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.